हे गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो जैसे कि हम पहले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऑप्टिमल असाइनमेंट निकालना रहेगा तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास 4 रो है और 3 कॉलम है। तो ये हमारा अनबैलेंस का प्रॉपर बता रहे कि अनबैलेंस है, क्योंकि अनबैलेंस में रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। ठीक, देन इसके बाद क्या हो जाता है, अब हमें क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक डमी नाम का कॉलम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स की नंबर्स कम है। ठीक, अगर रो की कम होती तो हम इसमें रो ऐड करते। देन पहला स्टेप क्या हो जाता है हमारा, ऐड डमी। तो अब हम इसमें डमी ऐड कर देंगे। ए बी सी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा, डमी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, 8, 7, 10, 7, 9, 12, 10, सब कुछ वही रहेगा। लास्ट में जो है हमारा डमी आ जाएगा, और डमी में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है हमारा, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, डमी एक जो है रो पूरी हमारी जीरो, रो में एक एलिमेंट जीरो, एक एलिमेंट जीरो, तो सबसे एटलीस्ट हमारा नंबर जीरो हो जाएगा, तो हमारे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, नो नीड ऑफ रो रिडक्शन। तो अगर हम कर भी देंगे तो हमारा सेम टेबल ही बन जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा नंबर इसमें हमारा जीरो है, जीरो को माइनस करने पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा डमी 10, 7, 8, 0, 8, 9, 7, 0, 7, 12, 6, 0, 10, 10, 8, 0। ठीक, अब इसके बाद रो रिडक्शन हो गया, अब इसके बाद हमारा क्या है, कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन में क्या करेंगे हम, ठीक, थर्ड स्टेप हमारा कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में हम कॉलम में सबसे छोटा नंबर चूज करके उसको सभी एलिमेंट ऑफ कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, मतलब अगर एक रो में हमारा 1 सबसे छोटा नंबर है तो उसको उस कॉलम में जितने एलिमेंट रहेंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डमी। ठीक, अब इसमें ये हमारा कॉलम है, इसमें हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है, 7 है। ठीक, तो हम 7 को लेंगे, 7 में से 10 गया 3, 2, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। देन इसके बाद इस रो में भी 7 है हमारा, तो 0, 2, अब 7 में से 12 गया 5, 7 में से 10 गया 3। इस रो में हमारा 6 है, तो 8 में से 6 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 6 गया 0, और 6 में से 8 गया हमारा 2। अब इसमें तो हमारा 0 ही 0 है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0, 0 एंड 0। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, हमें चेक करना है। तो चेक में क्या करना रहेगा कि नंबर्स ऑफ लाइन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चेकिंग। चेकिंग में क्या करना है हमें, ये हो गया हमारी टेबल, यहाँ को डमी को डी से हम लोग कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे तो डी नाम का एक है ही, तो यहाँ पे डमी कर ही देते हैं। तो अब ये हो जाता है हमारा, देन इसके बाद हमें चेक करना है। तो 3, 0, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 3, 3, 2, 0 है। देन इसके बाद हमें असाइन करना है लाइंस को, एक ये लाइन हो गई हमारी, ठीक, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। देन इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, 3, तो 3 इज नॉट इक्वल टू रो इक्वल टू कॉलम, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, असाइन करना, यानी कि हमें जो है नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो करना है। तो हमारा फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, असाइन।
तो यहाँ पे हमें साइन करना है। इसमें क्या करना है कि जो चेकिंग में जितनी लाइंस हो गई उसको छोड़ के जो अपर या लोअर होंगे उसमें से सबसे लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट को चूज करके उसको हमें बाकी सारे एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, बाकी सब में देखेंगे तो हमारा सबसे लीस्ट नंबर क्या है, 1 है। ठीक, अब 1 को माइनस करेंगे तो इसमें से यहाँ पे लाइन है तो जहाँ पे लाइन गई रहेगी वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सेम एस लिख उठेगा, यानी कि 3, 0, 2। बट यहाँ पे हमारा क्या है, 2 लाइन इंटरसेक्ट, तो जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे लाइन जा नहीं रही, तो 2 में से 1 गई 1, 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे यहाँ पे लाइन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। देन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा असाइन। अब इसमें हम लाइंस को चेक करेंगे, लाइंस को चेक करने पे हमें क्या मिलेगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, तो ये क्या हो जाता है हमारा, रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो होते हैं हमारे जितने नंबर ऑफ रो है जितने नंबर ऑफ कॉलम है वो उतने ही नंबर ऑफ लाइंस आ गई हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको असाइनमेंट करेंगे क्योंकि हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट निकालना था। ठीक, तो हमारा 6 स्टेप क्या हो जाएगा, असाइनमेंट। तो अब हम वैल्यू को असाइनमेंट करने के लिए ये हो गया हमारा ए बी सी डी, ए वन बी वन सी वन एंड डी वन हो गया। देन इसके बाद क्या है हमारा, 3, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 2, 2, 1, 0। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम ये लेते हैं तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और इस रो में कोई जीरो है नहीं तो ये नहीं जाएगा। ठीक, अगर हम ये लेते हैं इसके बाद, देन इस कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इसमें कोई जीरो नहीं है। देन इसके बाद ये वैल्यू लेते हैं, इस वैल्यू में ये था तो हमारा इससे कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे ये बच रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन लास्ट में हमारा क्या बचता है, ये। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 ब्लॉक्स बन गए, मतलब हमारा 4 रो 4 कॉलम था तो हमारे 4 ब्लॉक्स बन गए। इट मीन्स जो हमने किया है अभी तक का वो हमारा आंसर सही आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, क्योंकि अब हमने असाइनमेंट कर लिया, अब हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट का टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू, यानी कि ए की जगह ए जा रहा है बी वन पे, ए जा रहा है बी वन पे, बी जा रहा है सी वन पे, देन सी जा रहा है ए वन पे एंड डी जा रहा है डी वन पे। ठीक, तो ए बी वन पे हमारी वैल्यू क्या है, 7 है। बी सी वन पे, यानी कि हमारा ये सी वन था, सॉरी यहाँ पे हमने नेमिंग बी वन सी वन डी वन कर दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये हमारा डमी था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम कर देते हैं, ए जाएगा कहाँ पे, सेकेंड पे, बी जाएगा थर्ड पे, सी जाएगा हमारा फर्स्ट पे और डी जाएगा किस पे, डमी पे। ठीक, डमी के लास्ट कॉलम पे। देन अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सेकंड पे क्या है, 7 है, बी के थर्ड पे हमारा क्या है, 7 है, देन सी के फर्स्ट पे हमारा क्या है, 7 है, एंड जो है हमारा क्या होता है, डी पे डमी है तो डमी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हमारा 0 हो गया तो इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 21 आ गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।